हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आप सभी को फूलों का बादशाह गेंदा फूल के पौधे के बारे में बताऊंगी। मैं गेंदे के फूल को बादशाह इसलिए कहती हूँ कि जाड़े के दिनों में ऐसा कोई पार्क, गार्डन या घर नहीं जहाँ फूल लगे हों और वहाँ गेंदे के फूल ना हों। गेंदे के फूल कई रंग, डिजाइन और अलग अलग आकार में होते हैं। यह पौधा देसी और हाइब्रिड दोनों प्रकार का होता है। देसी गेंदे का पौधा बड़े साइज के होते हैं और इसका फूल हाइब्रिड से थोड़ा छोटा और ज्यादा क्वांटिटी में होता है, परंतु हाइब्रिड गेंदे के पौधे का साइज 8 से 10 इंच तक ही होता है और इसमें फूल बड़े साइज के होते हैं। मैं आज आप सभी को हाइब्रिड गेंदे के पौधे को लगाना और उसकी देख रेख करना बताऊंगी। हाइब्रिड गेंदे के पौधे को अक्टूबर से नवंबर के बीच में लगा लेना चाहिए। हाइब्रिड गेंदे के पौधे को 8 इंच या 10 इंच के गमले में ही लगाएं। इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी, गोबर की खाद और बालू बराबर बराबर मात्रा में लेकर अपने गमले में भर लें और इसके पौधे को नर्सरी से लाके अपने गमले में लगा लें। जब पौधा जड़ पकड़ ले और 15 दिन का हो जाए, तब इसमें सरसों खली और नीम खली को 5:1 के रेशियो में 8 दिन पानी में भिगोकर इसका पतला घोल बना लें और हर 10 दिन पर एक एक मग अपने पौधे में डालते रहें। हर 15 दिन में इसमें फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड के 5-5 एमएल को 1 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करते हैं। गेंदे के फूल को अच्छी धूप की आवश्यकता होती है। अगर इसे धूप अच्छा ना मिले तो यह पौधा फूल कम प्रोड्यूस करेगा या नहीं भी फूल हो सकता है, इसलिए इसे पूरे दिन के सनलाइट वाले जगह में ही रखें। गेंदे के पौधे को ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे तो किसी भी जाड़े वाले फूलों में ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। हर 2 दिन पर इसको पानी दें या इसके मिट्टी को चेक कर लें। अगर पानी इसमें सूख गया है तो ही पानी दें, नहीं तो पानी नहीं दें। ज्यादा पानी देने से गेंदे का फूल का पौधा गल सकता है, इसलिए पानी का ध्यान अवश्य रखें और जरूरत होने पर ही इसमें पानी दें। बस इतना करने से ही यह फूल आपके गार्डन का शोभा बढ़ाते रहेगा और नवंबर से लेकर अप्रैल तक आपके गार्डन में सुंदर सुंदर फूलों से भरा रहेगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि जैसे सभी लोग जाड़े के दिनों में गेंदे के फूल अपने गार्डन में अवश्य लगाते हैं, इसी प्रकार हाइब्रिड गेंदे का पौधा जरूर नर्सरी से लाइए और अपने गार्डन में इसे जरूर जगह दीजिए और इसी प्रकार सुंदर सुंदर फूलों से अपने गार्डन को सजा के रखिए। धन्यवाद।